फेस रूटीन है? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं याद आ गया था क्या पूछती है या फिर स्किन, हाँ स्किन केयर, स्किन केयर रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो रही हूँ और मैं ना सिर्फ और सिर्फ टूथब्रश करके कॉलेज जाती हूँ, मुंह तक नहीं धोती, मेरे फ्रेंड को पता होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा खालिद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, काफ़ी गर्ल्स के मुझे DMs आ रहे थे कि आप अपनी डेली रूटीन बताएं, आप किस तरह से मेकअप करती हैं। तो मैं इतना ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करती हूँ और प्रोडक्ट्स तो वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो यूनिवर्सिटी जाती हूँ, सिर्फ फेयर एंड लवली और इसके साथ ना मैं अपना सन ब्लॉक, इन दोनों को मिक्स करके ना वो अप्लाई करती हूँ। उसके बाद हल्का सा क्या लगाती हूँ, हाईलाइटर लगाती हूँ। तो मैं आपको अपना सिंपल, बहुत 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 सिंपल मेकअप करना चाहती हूँ। मैं जॉब, एक मिनट मैं जॉब डाली ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ना फेयर एंड लवली अप्लाई करूँगी। मैं ब्लेंडर वगैरह यूज नहीं करती हूँ, हाथों से सही होता है। अच्छे से तो सबको आता ही होगा उसको ब्लेंड करना। तो मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया था मेरा, बिल्कुल मैं मुंह धो के आई थी अभी। इसके बाद मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी, ये भी बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लेती हूँ। वैसे पहले मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ, उसके बाद फिर लवली लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है और वो धूप ने बहुत हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। हुआ ये कि मेरी भांजी नीचे गिर गई थी, आपका वास्तव आ गई होगी और मैं इस टाइम पूरी काम रही हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम से किया भी नहीं जा रहा है, क्या करने आ गए, मैं कहाँ तक पहुँच गई थी। हाँ जी, इसके बाद में करती हूँ कि बहुत काम रही हूँ। इसके बाद ना ये लिपस्टिक है, वैसे पिंक शेड भी होते हैं, पिंक कभी कभी पिंक शेड, लेकिन आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको ना मैं आए तो ग्लासेस मैंने उतारी, इतना फैला तो पहन लेती हूँ। इसको मैं ना यहाँ पर लगाती हूँ अपने चीक्स पे। मैं ना ब्लश ऑन यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं चलता, वो ऊपर चमकीला चमकीला आ जाता है ना, तो मुझे शाइनिंग पसंद नहीं है। आपको शेड नजर आ रहा होगा कैमरे में, ऐसे हल्का सा ना मैं नोज भी करती हूँ और यहाँ भी करती हूँ। और इसी लिपस्टिक को फिर हम लगा भी लेंगे। पूछते हैं कि आप लिपस्टिक कौन सी यूज़ करती हैं। मैं आम लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, लेकिन ना डार्क नहीं करती, इसको लाइट लाइट रखती हूँ। हर काम पर इसी बात से हाईलाइटर, वैसे हाईलाइटर है क्या और मेरा मेकअप कम्प्लीट। ये वैसे डेली नहीं करती जाती हूँ, कभी कभी करती हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ लगाते हैं इसको, मैं लगा लेती हूँ जहाँ दिख गया लगा। वैसे ब्रश यूज़ करने की आदत नहीं है, मैंने कभी ब्रश यूज़ किया नहीं, तो वैसे हैंड से हम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा मेकअप हो गया, अब मैं हिजाब कर लेती हूँ, ये दूसरा हिजाब है। तो और ना मुझसे लड़कियाँ पूछती हैं कि आप हिजाब कहाँ से लेती हैं। मैं गरमांडे, गरमांडे कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कभी टीन डब्बे वाला, कभी लो लैन लैन, कभी गरम आटे, कभी गोभी ले लो। ये वाला हिजाब, हाँ जी मैं ये बताती हूँ कि मैं कोई मैं कहीं से ऑर्डर नहीं करती हूँ, ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, मैं खुद जाकर लेती हूँ शॉप से। जो मुझसे पूछते हैं कि आप हिजाब कहाँ से लेती हैं, तो मैं कहीं से भी लेती हूँ, शॉप से खुद जाकर लेती हूँ। मैंने कभी भी ऑनलाइन हिजाब नहीं मंगवाया, मुझे लगता है सही नहीं हुआ, तो जैसा भी हुआ खैर। ये मैंने पिन लगाई और आज मैं ब्रॉच ये वाला यूज़ कर रही हूँ, गरम आटे। आज मैं ब्रॉज, ये मुझे जो PR में आया था बलोच ज्वेलर्स की तरफ से, आज मैंने इसका स्टोरी भी मैंने इसे लगाई हुई थी, बल्कि मेरी पोस्ट भी है इस पर, तो मैंने कहीं यूज़ किया। और ये है मेरी, पता नहीं हिजाब कैसा हुआ है मुझे नहीं पता, ये मेरी है डेली रूटीन, डेली तो नहीं कभी कभी वाली रूटीन। मैं ऐसे यही वाला मेकअप करती हूँ और यही ऐसे हिजाब लगाती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो हिजाब कैचर है वहाँ फिर जाऊँगी खुद और किसी शॉप पे पता करूँगी, जहाँ पे मैंने बहुत बहुत पहले लिया था, मैं ही यूज़ करती हूँ, मैं बार बार तो लेने से ही। तो मैं आप लोगों को बता दूँ दिखा दूँगी कहाँ से मिलता है हिजाब, जहाँ से हिजाब पिंस मिलती है यहाँ कैचर वगैरह मिलते हैं, वहीं से ही हिजाब कैचर भी मिल जाता है। इसको हम उसको आप हिजाब वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, हिजाब कैचर भी बोल सकते हैं, वहीं से हिजाब का वॉल्यूम ज़्यादा लगता है।
तो ये मैंने अभी अभी देखा है फ्रंट कैमरे में, और मेरा हिजाब इतना सही नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही, आपको पता है मैंने विदाउट एनी कैमरा किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैंने ना एक बात वो भी कहनी थी कि लोग ना मुझे DMs करते हैं कि आपका TikTok पे इतने ज़्यादा अकाउंट्स हैं और आपके इंस्टा पे, मैंने पहले भी अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरा एक ही अकाउंट है सिर्फ, सारे खाली 78, कोई डॉट नहीं, कोई हाइफ़न नहीं, कोई स्लैश नहीं, कुछ भी नहीं। और जो TikTok है उसमें मेरा कोई अकाउंट नहीं है, एक ही है, वो भी सारे खाली 78 के नाम से है, और उस पर मैंने एक ही वीडियो है, मतलब मैंने सारी प्राइवेट कर दी थी। और जो YouTube है उस पर भी एक ही अकाउंट है, सिर्फ यही वाला चैनल है मेरा सारे खाली 78 के नाम से, और बाकी और मेरा कोई और अकाउंट नहीं है। अगर आपको किसी से कोई मैसेज आता है, कोई भी, मतलब कोई भी लड़की होगी वो कोई मैसेज करेगी, कुछ भी, कोई लड़का फेक अकाउंट होगा, तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना, वो मेरा अकाउंट नहीं होगा, मेरा सिर्फ सायरा खाली 78 और कुछ भी नहीं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे इतना सपोर्ट किया, मेरे 80K हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट, वो अगर आपको मेरा हिजाब अच्छा लगा है, वैसे अच्छा लग रहा है हिजाब, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने हिजाब कैसा है और मेरा मेकअप कैसा हुआ है। ये मेरी डेली रूटीन होती है, और मैं कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, तो लड़कियाँ मुझसे भी पूछती हैं आप फेस पे क्या अप्लाई करती हैं, आपकी डेली रूटीन, आपकी फेस, वो क्या कहते हैं, क्या पूछती हैं कि आपकी हैं फेस केयर फेस रूटीन है, नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा, कितने क्या पूछती हैं, क्या आप स्किन, अबे जल्दी बोल, हाँ स्किन केयर रूटीन। तो मेरी कोई स्किन केयर रूटीन है, मैं साबुन से मुंह धोती हूँ, सिंपल जो साबुन होती है ना, लाइफ बॉय तो नहीं, खैर पॉमोलिव होती है ना, पॉमोलिव होती है, लक्स होती है, जो कोई भी होती है, उनसे मैं मुंह धोती हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से धोती हूँ, मर के धोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो रही हूँ और मैं ना सिर्फ और सिर्फ टूथब्रश करके कॉलेज जाती हूँ, मुंह तक नहीं धोती, मेरे फ्रेंड्स को पता होगा। तो यही मेरी रूटीन है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।